नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 24 के नंबर में सेकंड हैंड मिराज प्रोक्योर किया जा रहा है फ्रांस से। और इसको लेकर IAF ने जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है, और जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, प्राइसिंग है, वो सारी चीजें तय कर ली गई है। तो 24 सेकंड हैंड मिराज प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जो कि मिराज 2000 है, यानी कि M2 के हैं। डील की लागत यहाँ पे 27 मिलियन यूरो आंकी गई है, जिसमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट आपको 1.125 मिलियन यूरो का पड़ने वाला है। तो प्राइमरली ये जो प्रोक्योरमेंट है वो आपके एजिंग मिराज फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए प्रोक्योर किए जा रहे हैं। मतलब हम ऑलरेडी जो ऑपरेट कर रहे हैं M2 के, तो उनके लिए 300 से ऊपर स्पेयर की रिक्वायरमेंट है, और उसको देखते हैं यहाँ पे ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है। यहाँ पे इस 24 M2 के में से 13 आपके अच्छे कंडीशन में है, मतलब वहाँ पे जो एयर फ्रेम की लाइफ है वो पर्याप्त है, इंजन जुड़ा हुआ है, और उन 13 में से 8 एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे 13 को छोड़ के जो बाकी 11 हैं वो फ्लाइंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन उनके जो पार्ट हैं जैसे कि फ्यूल टैंक, इंजेक्शन सीट और विंग के जो कुछ पार्ट हैं वो अच्छी कंडीशन में है। सो फ्रांस में ये जो एयरक्राफ्ट थे वहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइफ सर्विस के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगा। यहाँ पे जो लागत है वो भी कुछ खास नहीं है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसलिए हो रही हैं कि आपका जो तेजस प्रोग्राम है वो इवेंचुअली डिले हुआ है और बना भी लिया गया है, तो जो ऑर्डर हैं वो टाइम पे नहीं आए, और कहीं ना कहीं तेजस Mk2 में, जो कि आपके मिराज को रिप्लेस करेंगे, अभी टाइम है आने में उनको प्रोडक्शन तक जाने में। तो तब तक आपको मिराज को खींचना है। अभी हाल ही में जो मिराज के अपग्रेड हैं वो किए गए हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में अगले 10 सालों में आपको ऑपरेट करना है, तो जो आपको स्पेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो पड़ेगी, वो यहाँ से कम कॉस्ट में पूरी की जाएगी। अगर M2K की बात करते हो तो इसको तब प्रोक्योर किया गया था जब पाकिस्तान को दिया जा रहा था F-16AB, तो आप उसको काउंटर करने के लिए वैसा ही पोटेंट एयरक्राफ्ट देख रही थी IAF, जहाँ पे 1981 में IAF ने जाके मिराज F1 को रिव्यू किया था, जो कि एक प्रोटोटाइप था M2K का। तो उस समय आपके पास MiG-21 थे और 23 थे, जो कि पर्याप्त नहीं थे पाकिस्तान को दिए गए F-16AB से, जिसके वजह में जो M2K हैं वो प्रोक्योर किए जाने वाले थे। वहाँ पे जो पहला एयरक्राफ्ट था मिराज 2000H, यानी कि हिंदुस्तान, वो डिलीवर किया गया 85 में। हालांकि प्लानिंग थी 150 मिराज को प्रोक्योर करने की, कुछ आपके फ्लाई बैक कंडीशन में आते और बाकी के HAL बनाती भारत में। ये प्लानिंग कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई। उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट है वो 40 एयरक्राफ्ट के किए गए, यानी कि 40 मिराज 2000H के, उसमें से 36 आपके सिंगल सीटर थे और 4 आपके ट्विन सीटर थे, जिसको M2K TH बताया गया। इस 40 के प्रोक्योरमेंट के पास आपके पास ऑप्शन था 9 और प्रोक्योर करने का, जो कि आपने प्रोक्योर किया। 8 आपके वहाँ पर सिंगल सीटर थे और एक ट्विन सीटर था। सो रिक्वायरमेंट 150 की थी, लेकिन आपने प्रोक्योर किया 50 के अराउंड। तब आगे चल के जो बाकी की रिक्वायरमेंट IAF की वो पूरी की गई MiG-29 से। तो कुछ इस तरह का इसका बैकग्राउंड है, जहाँ पे इसके मेंटेनेंस को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 सालों का था, जो कि एक्सपायर हो गया 2005 में, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट अभी हाल ही में साइन किया गया है Dassault और Thales के द्वारा इन मिराज को मेंटेन करने के लिए, जो कि 2015 में साइन किया गया है। मिराज 2000 ने वहाँ पे भी कम्पीट किया था, जो आपका जो पहला मासिक कंपटीशन आया था 99 के अराउंड, तो वहाँ पे भी एक कंटेंडर था। बाद में जो कंटेंडरशिप है वो Rafale को दे दी गई, लेकिन M2K को लेके एक जो मेजर स्टेप है 2011 में लिया गया, जहाँ पे $2.2 बिलियन का जो अपग्रेड पैकेज है वो सामने आया। इस पैकेज के अंतर्गत जो आपके मिराज 2000 थे उनको अपग्रेड किया जाना था M2KH से M2KI में। अगर पैकेज में मुख्य अपग्रेड की बात करते हो तो नाइट विजन केपेबल जो ग्लास कॉकपिट है वो था, नेविगेशन आपके अपग्रेड हो चुके थे, IFF Mk12 का था, जो मल्टी मोड मल्टी लेयर रडार है वो यहाँ पे आ चुके थे, और यहाँ पे एडवांस EW सिस्टम है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए थे। तो यहाँ पर जो पहला M2K था वो अपग्रेड किया गया था Dassault और Thales के द्वारा, उसकी कई सारी फ्लाइट कंडक्ट की गई, जो कि IOC लेवल पे थे, लेकिन आगे चलकर जो FOC वेरिएंट था उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HAL को दे दिया गया था, जो कि 2015-16 के अराउंड था। तभी से जो FOC स्टैंडर्ड का अपग्रेड है वो HAL कर रही है। अगर अपग्रेड में जो मेन एलिमेंट है उसकी बात करोगे तो जो एवियोनिक्स आर्किटेक्चर था वो कुछ यहाँ पे पहुंचा है, जिसमें यहाँ पे जो मिशन कंप्यूटर है वो HAL का है, और एक बस के थ्रू वेरियस सेंसर का जो फ्यूजन है वो मिशन कंप्यूटर यहाँ पे कर पाता है। वहीं पर डिस्प्ले यूनिट को मिशन कंप्यूटर से जोड़ दिया गया एक हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जबकि जो वीडियो लिंक है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर देखोगे तो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, जिससे कि जो रिस्पांस टाइम है वो आपको अच्छा मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सुपरसोनिक पे ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पे जो मिलीसेकंड का जो महत्व है वो काफी अधिक है, जो कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये जो टाइम है वो टैकल किया जाएगा। यहाँ पे जो इसका मुख्य अपग्रेड था वो रडार का था, जो कि RD-2 था। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सक्षम है मल्टीपल टारगेट को एक बार में ट्रैक करने में, और यहाँ पे कई सारे मोड दिए गए हैं, जैसे कि एयर टू एयर मोड की बात करते हो उसमें भी कई सारे मोड है, वेलोसिटी सर्च मोड, इस तरह के मोड आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस में टारगेट को पकड़ने में हेल्प करते हैं। रेंज वाइज सर्च मोड है, जो कि एक लॉन्ग रेंज पर ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा टारगेट को। वहीं पर अगर आप किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे हो तो सिंगल टारगेट ट्रैक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ जो मोड है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ग्राउंड मैपिंग मोड दिया गया है, काउंटर मैपिंग मोड यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपके पायलट को हेल्प करेगा अगर सामने कोई हिली एरिया है और रफ टेरेन है और आप लो ऑल्टी पे फ्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अवेयर रखेगा। दो और मेजर अपग्रेड की बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा UHF का SATCOM, जो कि आपको इसके टेल पे दिखता है। ये GNA बेस्ड सिस्टम है, इस्तेमाल ये डाउनलिंक और अपलिंक दोनों फ्रिक्वेंसी में किया जाएगा, जहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 5 किलो हर्ट्ज से लेके 25 किलो हर्ट्ज तक जाती है। जो डेटा रेट है वो 2.5 KBPS का है।
तो बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाएगा सैटेलाइट के थ्रू एक सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में वॉइस और डेटा के लिए। इसी में जो अगला मॉड्यूल है वो L-band डेटा लिंक है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा डेटा को हाई रेट से भेजने के लिए जो कि 8 Mbps से लेके 10 Mbps के बीच में जाएगा। तो टेक्निकली जो एक वीडियो फीड है वो ये दे पाएगा। तो ये एक यहाँ पे मेजर अपग्रेड था। और इन अपग्रेड के बाद 2012 में जो सुपर 500D थे और मैजिक 2 थे ये रिप्लेस कर दिए गए मीका से। उसके बाद जो आपके स्पाइस के इंटीग्रेशन है वो आ गए पिक्चर में और फिर तो बालाकोट ही हो गया। तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड जाता है M2K का, जहाँ पे एक अभी भी हाईली इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको IEF कुछ समय और तक एयर में रखना चाह रही है। यहाँ पे आपके पास कुछ खास ऑप्शन भी नहीं है। अगर IEF ने तेजस को एक बड़े नंबर में ऑर्डर किया होता तो आप MiG-21 को भी जल्दी रिप्लेस कर पाते एक अच्छे पेस पे। यहाँ पे M2 के आपका इसलिए भी खास है कि जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो आपको पर्याप्त मिलता है। जहाँ तक बात है भारत इस तरह के फाइटर को अब तक क्यों ऑपरेट करता है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस तरह के फाइटर जो रिटायर हो चुके हैं वो जो हमारे अभी IEF के पास इस तरह के जो जेट हैं वो सेम हैं। IEF के जो भी पुराने जेट अब तक ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे वो M2K हो, जैगुआर्स हो या MiG-21 हो, ये हाईली अपग्रेड हुए हैं, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इसी कैटेगरी के ऐसे एयरक्राफ्ट जो रिटायर हो चुके हैं अदर कंट्रीज में। उनके लेवल से काफी आगे आ चुके हैं। हालांकि जो एयर फ्रेम है वो पुराना रहेगा, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है वो पर्याप्त यहाँ पे की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।